सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। सो अभी तो जो टाइम हो रहा है वो 3:30, मतलब 3:30 हो रहा है। जैसे आज का सीन ये है कि गाइस, जो हमारे गेट है, मतलब जब घर बनाया गया था तो इनको हमने कवर्ड नहीं किया था। तो इनको कवर नहीं किया तो क्या हुआ कि जो हमने छबाई की थी और जो पेंट किया था, अभी तो सीमेंट लगाई है, वाइट सीमेंट, तो वो गेटों के ऊपर और विंडोज और डोर के ऊपर गिर गई। तो उससे क्या है कि उनके ऊपर वो माल और जो पेंट किया था वाइट सीमेंट, वो उनके ऊपर चिपक गए और अब बिल्कुल सूख गए, तो थोड़ा निकलना मुश्किल है। तो वैसे तो हमने ये दोनों गेट अभी आप देख रहे हो, ये तो साफ कर लिए, लेकिन अभी आज इन खिड़कियों का नंबर, इन विंडोज़ का नंबर है, तो चलिए इनको साफ करते हैं। जैसे गाइस, अगर आप घर बनाएं तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वो है कि इनको कवर्ड करके रखना चाहिए ताकि ये गंदी ना हो। और अगर आप कवर्ड नहीं करते तो बिल्कुल ऐसी समस्या होगी और फिर मेहनत से उसको साफ भी करना पड़ेगा। तो भाई, हमने गलती कर दी तो अब हमको भोगना तो पड़ेगा, तो चलिए साफ करते हैं। और वैसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ ताकि ताकि कपड़े गंदे ना हो। तो गाइस, मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए और मेरे पास है नए नए इक्विपमेंट, बहुत सारे हैं। तो मेरे पास है नए इक्विपमेंट, कपड़े अपड़े तो मैंने बदल कर इधर रख दिए हैं। तो पहला है हमारा यंत्र। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग टूथब्रश का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। पहला तो ये कि वो 6 महीने या साल भर तक, कोई कोई तो 2-2 साल तक टूथब्रश, मतलब दांतों को साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। फिर उसका दूसरा यूज, मतलब कि इनको फेंकते नहीं, वो या तो किसी चीज़ को साफ करने में, या भी आप समझ गए होंगे बाल को काला करने में करते हैं। और अब मैं बाल को और साइकिल को साफ करने, वैसे मैंने इसका साइकिल में साफ करने के लिए किया था तो ये काला हुआ, वैसे ये मैं समझना कि काले बाल करने। दूसरा है तो हाँ, दुनिया में एक ऐसा कौन सा ड्राइवर है जिसे लाइसेंस की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कौन सा ड्राइवर होगा। तो भाई, मुझे समझ में आया कि स्क्रू ड्राइवर। और मुझे पहले पता भी नहीं था कि स्क्रू ड्राइवर ऐसा होता है, मैं समझा था कोई आदमी होगा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ और किसी ने बताया कि स्क्रू ड्राइवर ऐसा होता है, पेचकस। गाइस, इसको हिंदी में पेचकस भी बोला जाता है। और दूसरा है हमारा, ये है एक लोहे की रोड, छोटी वाली, वैसे इधर से इसको तीखा कर दिया ताकि निकालने में कुछ भी आसानी हो। और ये है अगला, है सबसे खतरनाक माहिर, हैमर। हैमर गाइस, ये है हैमर, हथौड़ा, हिंदी में कहते हैं हथौड़ा, तो इसका भी इस्तेमाल करूंगा। वैसे आप सोचेंगे इसको क्या तोड़ने के लिए करते हो क्या, नहीं। तो गाइस, ये है खिड़की और इसको करना है हमको साफ। वैसे आपको नहीं, आपको देखना है, जैसे मुझे करना है इसको साफ। वैसे मैंने ये दोनों गेट तो साफ कर दिए थे, और अब इसकी बारी है। भाई, आप प्लीज ये गलती मत करना कि कभी भी घर बनाओ तो इनको कवर्ड करके रखना ताकि इनमें ना चिपके, नहीं तो फिर मेरे जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं काम खत्म। वैसे टाइम तो बहुत लगेगा इसमें, यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर ऊपर का पहले। और गाइस, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया, वो भी बहुत ही ओपी है। और गाइस, वो चीज़ है झुम 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 झुम। जैसे ये साइकिल का या गाड़ी का, बाइक का पंचर जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अपन घिसने के लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे ताकि इससे जल्दी हो। ओ गाइस, मैं एक चीज और भूल गया, चलो लाता हूँ। और गाइस, वो चीज है ये पानी। पानी से इसको पहले हम गीला करेंगे ताकि इसकी जो सीमेंट है जो सूख कर उठती है और ऊपर चली जाए, ताकि गंदा ना हो शरीर। वैसे मैं सुबह नहा लिया था, अब नहीं नहाने का मूड नहीं है क्योंकि अब लगती है ठंड। वैसे सुबह ठंड नहीं थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम नहाते हैं सुबह से तो हमको ठंड बिल्कुल नहीं लगती, और फिर अब दोपहर को नहाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। वैसे मैं गर्म पानी रखकर नहाता हूँ। ओ गाइस, एक चीज और भूल गया, अभी लाता हूँ, रुकना रुकना है ना, अभी लाता हूँ। तो गाइस, वो चीज है ये स्पंज। वैसे गाइस, इसका मुझसे एक बार एक भैया ने प्रश्न पूछा था कि ऐसी चीज जिसमें हजारों छेद होने के बावजूद भी उसमें से पानी नहीं निकलता। सो गाइस, अभी तो मैंने इसको कर दिया गीला, देख सकते हो अभी वैसे थोड़ा क्लीन हो गया है। तो चलिए करते हैं इक्विपमेंट से इनको साफ।
God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy. But so guys, मैंने खिड़कियाँ पूरी तरह साफ कर दी। वैसे पूरी तरह ये साफ नहीं हुई, ये जो लगाने की कुंडिया है ये ठीक से साफ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इनमें कुछ भी जो सामान था, जो टूल्स था, वो अंदर नहीं जा रहा था। वैसे गाइस कहीं कहीं पर मैंने जो है माल इन पर चिपका हुआ, लेकिन मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि ज़्यादा ये जो है स्क्रेच बहुत हो जाता है। मतलब कि गाइस उस दिन अगर हम इसको कवर कर देते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वैसे गाइस मैं 3:30 पर काम पर लगा था और 5:47 पर मैंने ये काम खत्म किया, तो करीबन मुझे डालते हैं। वैसे मैं लगाता हूँ दिमाग कितना है, मतलब 3:30 पर मैंने काम चालू किया था और 5:47 पर मैंने काम खत्म किया, तो 5 में से जो 3 निकलेगा तो बचेगा 2। मतलब कि गाइस 2 घंटे 17 मिनट तक, मतलब गाइस इसको अगर साफ किया मैंने तो थकावट तो कम हुई लेकिन बोरियत बहुत ज़्यादा हुई, और 2 घंटे में भी मैं ठीक से इसको साफ नहीं कर पाया। जैसे अभी गीला तो आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब ये सूखेगा तो आपको कुछ कुछ जगह माल जो बना होता है वो चिपका हुआ ही रहेगा, उसको भी निकालने की कोशिश करूँगा। अगर ज़्यादा कोशिश करूँ तो वो जो पेंट लगाया है खिड़की पर वो भी निकल जाए। तो गाइस आप अगर घर कभी भी बनाएं तो ध्यान रखें कि जो गेट, डोर, विंडो सबको कवर्ड करके रखें। जैसे कि हमने गलती की, अगर उस दिन रख देते तो आज गलती नहीं होती। वैसे अब मैं कपड़े कर लेता हूँ चेंज।